लेकिन ये हमारी कन्हैया बांके बिहारी इतने दयालु, गुण न अवगुण न प्रभु देखो न। ठाकुर जी किसी अवगुण का प्रति ध्यान नहीं रहता है, केवल उनके गुण का प्रति ध्यान रहती है। केवल उसने नाटक रचाई, माँ के रूप धारण करके आई थी पुतना। ठाकुर जी उसको गोलोक वृंदावन में मैया के स्थान दे दिया। बोले इतने दुष्ट व्यक्ति को अगर जो इतने बड़े पद दे सकते हैं, बोले किम पुनः श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। अगर उनको प्रेम पूर्वक बांके बिहारी की भक्ति करो, वो जो देगा ना तुम कभी सोच नहीं सकते हो। ठाकुर जी इतने दयालु, इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए और वहां से भागते भागते आए श्री व्यास देव जी। पूरी उनको भागवत कथा से पूरी उन्होंने भागवत कथा उनको पढ़ाया। कदि ये भागवत कथा की वक्ता, बोले श्रोता कौन? बोले भैया श्रोता भी गेरे गेरे व्यक्ति नहीं, परीक्षित है। जब जब ये मातृ गर्भ में परीक्षित महाराज थे, ये अस्वस्थ माने उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया। इतने में उसने जाकर के सीधा कृष्ण की शरण में चली गई। बोले हे प्रभु, मैं मर जाऊं मेरे लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन ये मेरे गर्भ में पांडवों का जो धरहर रूप में जो संतान है, अगर ये मर गया ना पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। इनकी कुल में कोई दिया देने के लिए निर्धार नहीं जाएगा, उनको पिंड देने के लिए कोई नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चों को रक्षा करो। तब भगवान कृष्ण उसकी गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में प्रवेश करते हुए अपना गदा को घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया और उन्होंने परीक्षित को प्राण दान दी। इसलिए परीक्षित महाराज जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे। मैंने जो गर्भ में काले काले वो मुरली वाले को देखे, वो मुरली वाले कहाँ हैं? वो सबका परीक्षा कर रहे थे, इनका नाम पड़ गया परीक्षित। इसलिए जिन्होंने गर्भ में ही ठाकुर को दर्शन किया, इसलिए बोले भागवत का वक्ता जितने बड़ा श्रोता भी कम नहीं, श्रोता भी उतने महान। मतलब भागवत कथा की वक्ता श्रोता दोनों ही बड़े हाई फाई है। अभी कृष्ण रह रहे हैं हस्तिनापुर में। जब जब जाने के लिए तैयारी होते हैं, पांडव कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, उनको जाने नहीं देती। एक दिन मैया कुंती कृष्ण को स्तुति करने लग गई। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया तेरे को जो भक्ति करते हैं वो जगत में बड़े भाग्यवान है, लेकिन उससे भी कोई श्रेष्ठ है। बोले कौन? बोले वसुदेव महाराज। बोले क्यों? बोले तू जगतपति जगन्नाथ हो, लेकिन जगन्नाथ होते हुए भी तुमने अपना पिता किसको बनाए? बोले श्री वसुदेव महाराज। जगतपति होकर के पिता श्री वसुदेव महाराज को बनाए, इसलिए वसुदेव महाराज बड़े भाग्यवान। बोले उनसे बड़े भाग्यवान कौन? बोले श्री देवकी। बोले क्यों? बोले देवकी विश्व ब्रह्मांड तेरे पेट में गर्भ में, लेकिन तुम जब आओ आया किसकी गर्भ में आए? बोले देवकी गर्भ में। मतलब पिताजी का जो सौभाग्य है उससे ज्यादा सौभाग्य माताओं। बोले क्यों? बोले गर्भ में माताएं बच्चों को धारण करती हैं, इसलिए उनसे श्रेष्ठ श्री देवकी। बोले उनसे बड़े कौन है? बोले नंद। बोले क्यों? कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन उनको पल्ले में झुलाया किसने? उनको गोद में बैठा करके स्तन किसने पिलाया? उनको ठुमुक ठुमुक करके चलाना किसने सिखाया? बोले मैया जसोदा नंद बाबा। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए उससे सौभाग्य देवकी नंद जसोदा। बोले भैया उनसे सौभाग्य कौन है? बोले ब्रज की गोपियां। बोले क्यों? बोले कृष्ण रास किसको साथ में की? बोले गोपियों के साथ। इसलिए कृष्ण का एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा था गीता में, हे अर्जुन जो जैसे मेरे को भजन करता है मैं वैसे उसको प्रेम प्रदान करता हूँ। लेकिन गोपियों के पास आकर के प्रभु का हारना पड़ा। बोले हे गोपियां, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के तुम्हारी ऋणी को मैं कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए तुम लोग ने पुत्र परिवार घर द्वार सबको तुमने ठोकर मार दी, मैं कभी तुम्हारी ऋणी से मुक्त नहीं हो सकती हूँ। बोले गोपियों से श्रेष्ठ कौन है? बोले सर्व गोपेषु सेविता विष्णुरत्यंत वल्लभा। ये गोपियां भी जिनकी चरण की पूजा करती है। बोले किसको पूजा करती है? बोले श्री कृष्ण जी को, श्री राधा रानी को पूजा करती है।
इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। वृंदावन में किसका नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? राधे। और जोर से बोलो राधे। और जोर से राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जब मैया कुंती कृष्ण को स्तुति कर रही थी, कृष्ण बोले बुआ जी, तू तो आज उल्टा गंगा बहा रही हो, मैं भतीजा हूँ, मेरे को उल्टा स्तुति कर रही हो, कहा मुझे तेरी की स्तुति करनी चाहिए। बोले कन्या, यही तो तेरी माया है, कहा तू विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, किसको बुआ बना दिया, किसको मैया बना दिया, किसको भैया बना, यही तो तेरी माया है कन्या, तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है। मैं भी एक बार ब्रज में, कभी तुमने मटकी फोड़ी, मैया यशोदा तेरे को उखल में बांध दी, उसी समय तुम शिशक शिशक करके रो रहा था, जो काल भी जिसकी डर से थर थर कांपते हैं, लेकिन मैया की डर से तू थर थर कांप रहा था। मैंने सोचा तू नाटक कर रहे हो ना, सचमुच से रो रहे हो, मैं ध्यान देख करके देखा तू सचमुच से रो रहा था। इसलिए कन्या, तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन तेरे माया को समझना। इतने में कृष्ण ने कहा, बुआ जी, आज जीवन में जो कुछ इच्छा तू मेरे को मांगे, देखो अगर भगवान आपसे बोले कुछ मांगो, अब क्या मांगोगे बोल तो, अब क्या मांगोगे? बोले कि सुख संपत्ति घर आवे, बोलोगे ना सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट कटे तन की, यही बोलोगे ना। लेकिन देखो मैया कुंती भगवान से क्या मांग रही है, बोले कन्हैया अगर तू मेरे को देना चाहते हो ना, मेरी झोली में दुख भर दो, विपत्ति दे दो। बोले बुआ जी, सारा दुनिया मेरे को संपत्ति चाहते, तू मेरे को विपत्ति क्यों चाह रही हो? कहते कन्हैया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए। इसलिए कहते सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बली हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। कहते कन्हैया विपत्ति में तेरी याद आती है, संपत्ति में तेरे को सबके सब भूल जाते हैं। आप लोग बताओ तो सही सही बात बताओ, ज्यादा दुख में ठाकुर को स्मरण करते ना सुख में करते हो? आप लोग बताओ, सबके सब बताओ, सुख में करते ना दुख में करते हो? दुख में। बताओ किसमें ज्यादा ठाकुर को स्मरण आता है? दुख। दुख में आता है, सुख में नहीं आती है। इसलिए श्री कुंती कहती है, बोले प्रभु चार व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करेंगे, तेरे को ध्यान दे करके, ये चार व्यक्ति तेरे को भक्ति नहीं करेंगे। बोले कौन? बोले ऐश्वर्य, जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए, गिरना ज्यादा, ये कथा में ये लोग ज्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन उनको किसी क्लब में जाओ पार्टी में तो कोई पर मिलेगा, सबके साथ कथा में नहीं मिलेगा, अगर थोड़ी समय के लिए आएगा ना फिर चले जाएंगे, वो नहीं बैठेंगे कथा में। अगर किसी ज्यादा पैसा वाला को बोलो भैया कथा सुनने के लिए, आप बोले मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए कथा में नहीं आ सकता है। बोले भैया बिजी क्यों, पैसा के लिए तो बिजी है ना? भैया तेरे को जब पैसा देकर जब बिजी कर सकता है, अगर तुम भगवान की भजन करोगे वो भी तुमको फ्री में तो कर सकते हैं, पैसा तो तुम्हें उन्होंने दिया ना, ठाकुर तो तुम्हें पैसा दिया ना, ऐसे नहीं पैसा आ गया तो ठाकुर के लिए तुम्हारे पास में समय नहीं, और क्लब के लिए पार्टी के लिए पूरा समय उसके लिए निकालो। इसलिए भैया ठाकुर के लिए एक कदम चलो वो तुम्हारी तरफ में 10 कदम चलेंगे, एक कदम चलो उसके प्रति वो 10 कदम चलेंगे, आप स्वयं उनके लिए समय निकाल कर देख लो। इसलिए कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम नाम हो रहा है। आप स्वयं करके देखो, भगवान के लिए कुछ करके देखो, जो काम के लिए आपको बहुत कठिन लगता है, देखना वो काम अपने आप होते जाएगी, वो काम तुम्हारी अपने आप होते जाएगी। इसलिए मैया कुंती कहती है, बोले प्रभु जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा वो उल्टा पुल्टा जगह पर जाएंगे, लेकिन तेरे कथा में तेरी भक्ति नहीं करेंगे, अभिमान आ जाती है, सबको बीच में कैसे बैठ जाएंगे, कथा कैसे सुन लेंगे। इसलिए कुंती कहती है, बोले प्रभु हाँ, अगर किसको पास में पैसा है, लेकिन अगर प्रभु की भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, समझने चाहिए ठाकुर का बहुत उसको ऊपर कृपा है, ठाकुर जी की उसको ऊपर में बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की है। पहला नंबर। दूसरा नंबर कौन है? बोले जन्म।
जिसको बड़े हाई भाई घर में जन्म हो जाए। बोले कन्हैया उसका अंदर में बड़ा अभिमान आया था, वो तेरी भजन नहीं करेगी। बोले तीसरा जन्म की बोले ज्ञान, थोड़ी ज्यादा लिखा पढ़ाई सीख ले। अरे हमने PhD डिग्री की, हमने इंजीनियर डॉक्टर किया, तथा में दोनों बैठना है, वो जो गमार लोग ही बैठते, इसलिए कन्हैया तेरी कथा में नहीं बैठेंगे, आएंगे नहीं तेरी कथा में। चौथा चीज श्री, श्री मतलब जिसका चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए, हीरो हीरोइन हो जाए। बोले प्रभु ये तेरे भजन नहीं करेंगे, ये तेरी भजन नहीं करेंगे, कुंती प्रमाण दिखाती है। बोले देख कन्हैया, जब जब हम जंगल में भटक रहे थे, बड़े दुखी में थे, हमारे ऊपर में जब जब विपत्ति आई, तेरे को हमने याद किया, और तुम आया, आया कि नहीं आया। अभी हमारे पास में पैसा आ गया, अभी मैं राज रानी बन गई, कुंती राज माता बन गई, द्रौपदी राज रानी बन गई, राजा युधिष्ठिर महाराज बन गए, और पैसा आते ही अभी तो हमसे अलग हो रहे हो। लेकिन जब दुख था, जब जब बुलाए तब तक तुमने आया, हमारी रक्षा की। इसलिए मैया कुंती ये प्रार्थना करती है, हे प्रभु हमें दुख दो। देखो प्रश्न यह आता है, बोले भैया जो भजन करेगा उसको घर में दुख ही दुख आएगा, ये प्रश्न होता है ना। देखो ये चीज को अच्छा तरह से समझो, बढ़िया से समझो, कहते इसका मतलब क्या, भगवान से दुख मांगे जो भजन करे उसको दुख ही दुख आए? कहते नहीं, ऐसे बात नहीं है, बात ऐसे नहीं। उदाहरण देकर समझाए, जैसे तुम्हारी पड़ोसी है, उसको साथ में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा लड़ा। अपने अपना बेटे को बोले देख बेटा अगर तू जहर खाकर मरना तो मर जाना, लेकिन उस पड़ोसी घर में जाना नहीं। इसका मतलब नहीं तू जहर खा ले, इसका मतलब तू पड़ोसी घर में नहीं जा। इसलिए कुंती जो विपत्ति मांग रही है, इसका मतलब नहीं विपत्ति विपत्ति जीवन में आए, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है हे ठाकुर जी, तुम जिस स्थिति में हमें रखना उसी स्थिति में रख, लेकिन जैसे कभी मैं तेरे को भूलो नहीं, हर समय तेरे को याद करते रहूं। इसका मतलब यही है, इसका मतलब नहीं जो भक्ति करे जीवन में विपत्ति 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 आए, इसका मतलब ये नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी श्री पितामह भीष्म जी अभी अंतिम सज्जा में लेटे हुए हैं, इनकी अंतिम इच्छा है ठाकुर का नाम कीर्तन करते करते प्राण त्याग दो। ठाकुर भी उन्होंने पितामह भीष्म को ऊपर में भी कृपा की। अभी कृष्ण गए हुए कहां, द्वारका गए, अर्जुन उनको लेकर गया, लेकिन क्या हो गया, कृष्ण ये संसार छोड़ के चले गए। भैया आपको याद है जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आई, ठाकुर जी ने हमें हर विपत्ति से रक्षा किया है। ये द्रौपदी को पाना कोई साधारण बात नहीं था, द्रुपद महाराज का प्रतिज्ञा थी नीचे तेल की कढ़ाई रहेगी, ऊपर में मछली घूमेगी, और तेल की कढ़ाई को देख करके परछाई को देख करके निशाना मछली के आग में लगाना पड़ेगा। केवल कृष्ण कृपा से मिल गया, और भी ये द्रौपदी मिली जिस अवस्था में थी, दुशासन चोटी पकड़ कर घिसटते हुए ले आए। बोले मेरे चंदे के ऊपर उसको बैठा दो, विवस्त्र करते हुए। इतने में द्रौपदी ने दोनों भुजाओं को उठाते हुए बोले हे गोविंद राख शरण अब जीवन है। जब उन्होंने दोनों भुजाओं को उठा करके कृष्ण को बुलाए, कृष्ण वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीच कोई नारी ना, नारी स्वयं एक साड़ी बनी। याद है आपको? बोले सब कुछ मुझे याद है। बोले कृष्ण छोड़ करके चले गए। इतने में मैया कुंती उसी समय में प्राण त्याग दी। बोले जब कृष्ण नहीं रह रहे करके क्या लाभ है। पांडव भी संसार को त्याग दिए, और श्री युधिष्ठिर महाराज श्री परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। एक दिन श्री परीक्षित महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, बोले भैया मेरे देश में क्या अनहोनी हो रहा है। भ्रमण करते करते देखा एक आश्चर्य घटना, देखो उन्होंने क्या देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर रो रही है।
देखा एक बैल का तीन प्यार थी और एक प्यार ऊपर खड़ा हुआ और एक शूद्र राजा उसका एक प्यार को भी तोड़ रहा था। परीक्षित महाराज तलवार निकाल करके झपट पड़े। गैया से पूछे, भैया तू कौन हो? बोले मैं पृथ्वी हूँ। बोले क्यों दुखी हो? बोले कृष्ण चले गए, अभी ये कलयुग आएगा तो लोग बड़ी पाप कर्म करेंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये पाप कर्म को मैं कैसे सहन करूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बैल को पूछे, भैया तेरे तीन प्यार कहाँ गया? तो एक प्यार में खड़े हो, बताओ तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों? बोले तुम कौन हो? बोले मैं धर्म हूँ, मैं धर्म हूँ। बोले फिर ये दुखी क्यों? देखो उन्होंने एक अच्छी बात बताया, इस चीज को ध्यान देकर सुनो। वो धर्म कहता है मैं किसी को ऊपर दोष देना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले जीव जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप वो फल भोगता है। हम जैसे बीज लगाएंगे, अगर हम एक चीकू का बीज बोएंगे तो वहां पर कौन सा वृक्ष आएगा बताओ? चीकू का वृक्ष आएगी। अगर आम की गुठली लगाएंगे तो वहां कौन सा वृक्ष आएगा? आम का वृक्ष आएगी। अगर हमने नीम का बीज बोएंगे तो वहां कौन सा वृक्ष आएगी? नीम का बीज आएगी। इसलिए धर्म कहता है देखो कभी भी किसका नाम पर कभी चुगली मत करो, वो मना कर देते हैं। किसके नाम पर कभी चुगली मत करो, उसी की वजह से ऐसे हुआ। बोले भैया किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, हमने जैसे कर्म की कर्म का अनुरूप फल भोग लिए, कर्म का अनुरूप। इसलिए कभी किसकी चुगली मत करो, चुगली नहीं करके जीवन में जो कुछ आता है हंसते हंसते भोग कर लो और भगवान की भजन करते रहो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोले सबके साथ, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, हमें चुगली क्यों नहीं करनी चाहिए, चुगली में क्या दोष है? आप लोग ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी कथा है, पुरानी। बोले एक समय एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा लेने के लिए आया, और राजा ने कहा तू काम करके खा नहीं सकते हो, भीख मांगने के लिए आ गया। उसने एक घोड़े का लीड था उसको झोली में डाल दिया, लेकिन वो सचमुच से संत ही था, उसको लेकर के चला गया। एक दिन राजा भ्रमण करते करते वो संत जहां रहता था उसी आश्रम पर पहुंच गया, देखा घोड़े का जो लीड है ना वो पहाड़ रूप में। बोले भैया ये क्या, इतने बड़े पहाड़ घोड़े का लीड? तो उन्होंने देखा वही संत, बोले बाबा जी ये क्या है? बोले महाराज जी आपको याद होगा एक दिन मैंने आपका घर में भिक्षा लेने आया था, आप मेरे को क्या दिया था? घोड़े का लीड दिया था ना। देखो जब किसी शुद्ध साधु को जो चीज दोगे कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगी। अगर आप किसी शुद्ध साधु को कोई चीज दोगे घटेगी नहीं, क्यों? जो चीज दोगे वो ठाकुर को शरण लगाएगा, वो बढ़ेगी कभी घटेगी नहीं। इसलिए महाराज ये लीड बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना बनेगा तेरे राज्य में ये लीड के बगैर और कुछ नहीं रह जाएगी, पूरा देश को ये कवर कर देगा। राजा तो कांप उठा, संत के चरण में गिर गए, अपराध हो गया माफ करो। बोले बाबा अभी बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए, अब जो बोलोगे मैं प्रायश्चित के लिए वो काम करूंगा। बोले तू एक काम करो, अगर तुम्हारी राज्य में तुम्हारी कोई चुगली करे ना, जो चुगली करेगा तुम्हारे सारे पाप उसको ऊपर चले जाएगा और तू धीरे धीरे सारे पाप से मुक्त हो जाओगे। बोले क्या करे बताओ? बोले तुम्हारी घर में एक बेटी है ना जवानी, बोले हाँ। बोले एक काम करना, तुम्हारे घर को सामने जो बगीचा फूल की वहीं पर एक कुटीर बना करके उसको अकेले लेकर के रहना, अगर रहोगे तेरे देश में बुराई करेंगे। देखो राजा कितने दुष्ट, अकेली बेटी जवानी को लेकर के अकेली रह रहा है, अभी उसका राज्य में तुम्हारी पूरा बुराई बुराई चुगली चुगली हो जाएगी, फिर धीरे 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 ये सब खत्म हो जाएगा। राजा ऐसे किया ना घर घर में चुगली, ये दुष्ट राजा क्या कर रहा है तुमने सुना है? आप तेरे पास चुगली है ना इतने अच्छी लगती है ना, इससे तो बढ़िया जगत में कुछ है ही नहीं, हाँ इससे जगत में और कुछ है ही नहीं, चुगली इतनी बढ़िया लगती जीवों को, अभी पूरा घर घर में उसकी चुगली।
इतने में संत राजा फिर संतों के पास में आए, देखा पूरा नींद खत्म, लेकिन अभी एक टोकरी है। बोले बाबा एक टोकरी कैसे बाकी रह गई? बोले तुम्हारे गांव में एक वृद्धा माता थी, वो कभी किसकी चुगली नहीं करती है, तीन भर माला लेकर के भक्ति करती है, भजन करती है। अगर वो उसी हिस्सा की अभी बाकी रह गई, अगर वो तुम्हारी चुगली करेगी ना खत्म हो जाएगा, नहीं तो तेरे को खाना पड़ेगा, तेरे को ये खाना पड़ेगा। इतने में राजा अपना वेश बदला करके बूढ़ी माता जी के पास में पहुंचा, देखा माता जी माला लेकर के बैठ करके भजन कर रही, और राजा ने जाकर के बोला, बोले माता जी तुमने सुना है राजा क्या करता है? और वो बोलते ही वो माता जी को इतना क्रोध आया, बोले दुष्ट राजा, मैं अपना भजन का प्रभाव से मैं सब कुछ जानती हूँ, तू वही राजा है ना, जब संत तेरे दरबार में भिक्षा लेने आया था, तुमने घोड़े का लीड दिया था ना, वो जो एक टोकरी बच गई तेरे को खाना पड़ेगा, मैं कभी किसी की चुगली बुराई नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करती, तेरे को खाना पड़ेगा। राजा भर भाग गया वहां से। हाँ, देखो यहाँ पर कहते हैं भैया किसकी कभी दोष मत लगाओ, ये धर्म कह रहा है, कभी किसी को बड़े दोष मत लगाओ, हमने जैसे जैसे कर्म किया कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं, उसको भोग करते रहो, जितना हो सके प्रभु का भजन करो, भक्ति करोगे जितने प्रभु की भक्ति करोगे, कहते ना मंगल भक्त अमंगल हरि। अगर वाल्मीकि जैसे इतना बड़ा पापी, जब श्री नारद बोले राम बोलो, उसको मुंह से राम ही नाम नहीं निकला, वो राम नाम नहीं निकला, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोला हाँ इतना तो बोल सकता। अगर वाल्मीकि दशरथ ना कर मरा मराम करते करते अगर वो इतना बड़ा ज्ञानी हो जाए, रामायण लिख ले, अगर हमने सीधा नाम जप करेंगे तो क्या नहीं होगा बताओ, क्या नहीं होगा हमें। इसलिए कहते कभी किसी की चुगली निंदा नहीं करते हुए जीवन में जो आए हंसत हंसते वो कर लो, और जितना हो सके ठाकुर का नाम जप कर, ठाकुर जी की नाम को जप कर, उसी से ही सारे पाप हमारी खत्म हो जाएगी। इतने में धर्म को बोले इसका तीन प्यार नहीं, इसका मतलब है सत्य तृतीया द्वापर तीन युग बीत गई, धर्म का चार चरण है, अभी तीन चरण खत्म हो गया, अभी यह धर्म कलयुग में एक प्यार में खड़ा हुआ है, और ये कलयुग कोशिश कर रहा है वो एक प्यार को भी तोड़ करके खत्म कर दे, जगत में कोई धर्म कर्म नहीं रह जाए, कलयुग में सब के सब पापी हो जाए। परीक्षित महाराज ने कहा देखो जब तक मैं रहूंगा तब तक तेरा कोई स्थान नहीं, कोई भी तेरे स्थान नहीं। बोले मेरे को कहीं स्थान दो, क्योंकि सत्य तृतीया द्वापर को अपने स्थान दिया, भी कलयुग मेरे को स्थान दो। परीक्षित महाराज ने देखा यद्यपि कलयुग में सब पाप ही पाप है, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है। बोले क्या गुण है? बोले कीर्तना देव कृष्ण समुक्तम मूर्त प्रभु। अगर कलयुग में थोड़ी सी कोई ठाकुर का नाम जप कर लेना, इससे जीव उधार हो जाएगी, इससे उधार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कलयुग को स्थान दे दिया। बोले भैया तू रहा, तू रहा, तेरे को जाने का जरूरत नहीं, और ये धन्य कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, सर्वत्र हरि कीर्तन प्रचार करेंगे, हरि कीर्तन से दुनिया पवित्र होगा और ये पाप सब हट जाएगी। जैसे आप इतने सारे भक्त जब कीर्तन करते हैं, इसका ध्वनि चारों तरफ में गूंजती रहती है, इसका ध्वनि चारों तरफ में गूंजती रहती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कलयुग को उन्होंने स्थान दे दिया। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनो, उन्होंने कलि को चार ही जगह पर स्थान दिया। अगर कलयुग में केवल चार नियम को पालन करो और थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप करो, इससे ही उद्धार हो जाएगी। उदाहरण दिया, जैसे हमें कोई बीमारी, आप किसी अच्छे डॉक्टर को पास में जाओ, अगर सचमुच से वो डॉक्टर आपकी बीमारी को सही करना चाहता है, आपको परहेज बताएगा। देखो दवा तो बढ़िया दे रहा है, अगर आप परहेज को साथ में दवा लोगे ना, जल्दी जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। अरे भैया कलयुग में दवा क्या है? बोले भगवान का नाम है। बोले परहेज क्या है? अभी आप लोग ध्यान देकर सुनो, कलयुग में कौन सा ही चार नियम है जिसको पालन करके थोड़े से हरि नाम करो तो हमारी उद्धार होएगा? पहला नंबर है दुतम। दुतम का मतलब होता है जुआ, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मैं धर्म स्वरूप हूं, लेकिन ये जुआ खेल करके मैं कितने सर्वनाश हो गया। मैंने पहले राज्य को खेला,
उसके बाद में भाई गई, उसके बाद में पत्नी गई, उसके बाद में 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल तक विराट राज्य में नौकर हमें बनना पड़ा। अब महाभारत देखेंगे नहीं, द्रौपदी राजरानी क्या कर रही थी, उसकी पत्नी की कैसे सवार रही थी, अर्जुन कौन सर्वश्रेष्ठ गांडीव धारी क्या कर रहा था, ब्रिहनला बनकर के निर्देश क्या दे रहा था, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम क्या कर रहा था, रोसिया का काम कर रहा था, युधिष्ठिर महाराज क्या बल, युधिष्ठिर जुआ खेलते थे उसके साथ में, नकुल सहदेव घोड़ा साला पर क्या करते थे। इसलिए कभी भी शिक्षा देते हैं जो शेयर शेयर कंपनी है ना, शेयर में ये भी एक तरह का जुआ ही है, खबरदार उसमें पैसा पैसा मत लगाया करो, नहीं तो भिखारी बने जाओगे सबके सब। इसलिए कभी भी ये जुआ कुआ में हाथ मत लगाया करो, ये युधिष्ठिर महाराज शिक्षा देते हैं। धर्म का पहला चरण सत्य है, उसमें सत्य नष्ट हो जाएगी। दूसरा है कहते पानम, पानम का मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लो, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा है, गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसलिए गुटखा भी आप लोग कोई नहीं खाना, माताएं तो कोई खाती नहीं, तो कोई भैया लोग कभी खा लेते हैं। ये गुटखा कंपनी जिसने खोला है ना, वो स्वयं कैंसर का बीमारी में मरा है, खुद तो मरा और दुनिया को मरवा करके उसने गया है। इसलिए एक संत कहते थे जैसे गुटखा है, आप लोग बताओ तो गुटखा का पहला अक्षर क्या है, बोलो गुटखा का पहला अक्षर क्या, कौन बोलेगा हाथ, गु गु है ना, ये गुटखा नहीं ये गु है, इसलिए इसको कैंसर हो जाती है ये सब, विज्ञान कभी इसलिए इस चीज को नहीं लगी चाहिए। और शराब भी नहीं पीनी चाहिए, मैंने पहला बार बताया था शराब पीने वालों का 3 लाभ है, कितना लाभ है, कितना लाभ है, 3 लाभ है। मतलब पहला लाभ किया बोले बूढ़ा नहीं बनेगा, बोले दूसरा लाभ किया बोले घर में चोरी नहीं होगी, बोले तीसरा लाभ किया बोले कुत्ते उसके दोस्त बनेंगे। बोले भाई इसका मतलब क्या है, पहला लाभ क्या वो बूढ़ा नहीं होगा, बोले भैया बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा ना। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में माला माला लेने के लिए आए, माला लेने के लिए आए, मैं देखा माता जी की उम्र 30 उम्र है, 30 साल की। मैंने पूछते पूछते मैंने कहा तुम्हारी कितने बेटे हैं, बोले 2 बेटे हैं। बोले पति क्या करते हैं, बोले उन्होंने चले गए। मैंने कहा भैया इतने कम उम्र में कैसे चले गए, बोले वो पीते थे, वो क्या करते थे, वो पीते थे। इसलिए मैंने कल जब पता चला तो दोनों किडनी खराब, हार्ट भी खराब, कोई चांस नहीं था बचने का। इसलिए मैं रसिया, जो रसिया की लड़की आती है ना, मैं रसिया प्रचार के लिए जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ ज्यादा लड़की लड़की, बूढ़े नहीं। मैंने पूछा भैया सब बूढ़े कहाँ गए और इतने लड़की कैसे, बोले बचपन में सब शराब पीते हैं, इस सबको बचपन में शराब पीना शुरू करते आधा उम्र में सबके सब खत्म। इसलिए पहला लाभ क्या है, बूढ़ा नहीं बनेगा। दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगी, बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो पहले सब बेच बाच करके, अगर कोई गहना गाती होगी बेच बाच करके पी पा कर खत्म कर देगा, फिर चोर घर में चोरी किस चीज की होगी। और तीसरा लाभ क्या, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, इसलिए पता नहीं कहीं पी पा करके पढ़ा रहेगा। एक वीडियो आया था आप देखे होंगे, एक व्यक्ति कैसे शराब पी कर मेन रोड में पड़ा हुआ और कुत्ते आकर के जैसे मुंह पर चाट रहे थे, आप देखे होंगे एक वीडियो आया था, बड़े बुरे। इसलिए ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए देखो। लेकिन ये अभी अभी जितने ज्यादा पैसा वाला लोग होते हैं ना, उसको घर में ज्यादा इसमें अनर्थ है। अगर कोई शादी हुई, बच्चे का बर्थडे बनाए, अगर शराब नहीं पीना पिलाया ना, बोले ये कोई शादी हुई है तुमने शराब नहीं पिलाया, नहीं ये गंदी चीज है। देखो एक संत कहते थे, बुरा मत मानो, एक संत कहते थे भैया जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तुड़वाया, इतना बोतल पिलाया और इतने तुमने जीव हिंसा की, लोगों को मांस खिलाया, बताओ वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकती है। वो कहते थे अगर 100 साल अगर बच्चा जिंदा रहता ना, वो झट 50 साल में उतर कर जाएगा। क्यों, जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म कर रहे हो।
इसलिए अभी ये जगत बड़ा विचित्र दुनिया आ गया, इसलिए आप लोग ये सब चीज शादी हाथ मत दिया करो। खुद पाप वो करना, दूसरों को भी डुबाना है, दूसरों को भी डुबाना, खुद भी डूबना है। और ये पैसा लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की है। पैसा को अगर गलत काम में लगाएंगे ना, लक्ष्मी नाराज होती है, वो दुखी हो जाती है। आप बुरा मत मानना, कि हमारे गुरु जी कहते थे, आप बुरा मत मानना, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जिसको रोड में एक भिखारी रूप में देख रहे, क्यों भिखारी हुई है? गुरु जी कहते थे एक पैसा के लिए बिलबिला रहे, इसका मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? गुरु जी कहते थे ये पहले जन्म में ये व्यक्ति करोड़पति था, करोड़पति ये व्यक्ति था, लेकिन इसको पास में लक्ष्मी आई, कृपा की, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी को गंदे काम पर लगाए, भगवत सेवा नहीं, लक्ष्मी को उन्होंने गंदे, जैसे शराब पीना, मांस खाना, लक्ष्मी कभी खुश होएगी? इसलिए लक्ष्मी बिगड़ गई उसको ऊपर में। बोले अगले जीवन में तुमको रोड का भिखारी बना कर रख दूंगी, वहीं पर बैठ करके एक पैसा में बिलबिलाते हुए रहना। ये हमारे बड़े गुरु जी सब बात कहते थे, इसलिए ये सब गंदी चीज को पिला मत, जो आए नहीं आए, लेकिन अच्छे चीज बनाओ, ठाकुर को भोग लगाओ, ठाकुर जी को सेवा में लगाओ, सबको खिलाओ, तो अपना भी कल्याण, दूसरा का भी कल्याण उसमें होगा। इसलिए कहते ये सब चीज नहीं लेनी चाहिए। और देखो और एक चीज है, देखो जो चाय है ना, ये चाय भी नहीं लेनी चाहिए। आप लोग बोलोगे भैया चाय में क्या दोष है, बोले चाय में कोई दोष नहीं है, चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं, फिर चाय क्यों नहीं पी? देखो ये अंग्रेजी लोग हमें अपना गुलाम बनाने के लिए, जो बड़े बड़े व्यक्तियों को पूछो, ये अंग्रेजी लोग पहले ये चाय बेचना शुरू कर दिया, खुद बनाते थे और पिलाते थे, और खुद बोलते थे, देखो 50 साल से जिसका ज्यादा उम्र वही चाय पियो, खुद बोलते थे, बोले जो व्यक्ति चाय पिएगा उसको 1 रुपया मिलेगा। उस समय 1 रुपया की बड़ा कीमत था, हम लोग तो बेकूफ हो गए, बच गए, बोले 1 रुपया फिर 1 कप चाय, बोले लाओ पियो। उसको बाद में बोले देखो 50 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं, उस समय 50 पैसा भी बड़ा कीमत था, तभी पिए। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले लो कोई बात नहीं। उसको बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन जब हमारी नशा चढ़ गई ना, बोले देखो कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, क्या बोले चार मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। तो उस दिन बाद में बोले नहीं 25 पैसा उल्टा देना पड़ेगा, क्यों? हम पी पी करके हमारा अभ्यस्त हो गया ना, जैसे दोस्त व्यक्ति शराब पीते हैं, देखना शराब पीने का समय आ जाए, अगर शराब नहीं पिए तो क्या होगा, घबराहट हाथ होती है, बेचैनी सी आने लग जाती है, क्यों? उसमें नशा है। जो व्यक्ति चाय पीते हो, देखना जैसे चाय पीने का समय आ जाए, अगर आप चाय मत पियो क्या होगा बताओ, तो आप लोग बताओ क्या होता है, आप लोग बताओ क्या होता है, सर में दर्द करना शुरू हो जाता है, क्यों? उसमें निकोटीन और कैफीन मिला हुआ है, उसमें निकोटीन और कैफीन ये मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है। अगर नहीं पियो ना, सर दर्द करना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद में बोले भैया 50 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले भैया 1 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद बोले 5 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। अभी कितना रुपया हो गया 1 कप चाय? 10 रुपया हो गया। इतनी सी चाय और हमने 10 रुपया दे करके हमने, लेकिन हम क्या कहते हैं, सवेरे 1 कप चाय पी लो, दोपहर तो कोई चिंता ही नहीं, भैया इतनी सी चाय से पेट भरती है, बोले उसमें कैफीन और निकोटीन डाला हुआ जहर है, उसको पीते ही हमारी जो भूख थी ना, ये भूख हमारी खत्म हो गई, भूख लग रहा है। अब 10 रुपया की 1 कप आपको दूध मिलेगा, 1 ग्लास दूध होगा, भैया 10 रुपया देकर 1 ग्लास दूध पियो ना, पर ये जहर क्यों पी रहे हो? इसलिए आप लोग कोशिश करना, धीरे धीरे अगर ये चीज छूट सकती है अच्छी बात है, क्योंकि ये नस्ली वस्तु है, ये नस्ली, खाने के लिए तो दूध दही अन्न खाओ ना, घर में रोटी सब्जी खाओ, जो हेल्थ के लिए अच्छी चीज है, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले ये दूसरी चीज, बोले तीसरी चीज, बोले जो जो कली का स्थान स्त्रियों में, बोले भैया कौन सा स्त्रियों में, बोले जो स्त्रियां
बगर स्थादि के पुरुष दूसरे स्त्री और स्त्रियां दूसरे पुरुष से जो गलत संबंध यहाँ पर पाप है। संसार करो, शादी करके अपना पत्नी को साथ में, पति को साथ में अपना घर गृहस्थी बैठाओ, नहीं तो जो अवैध रूप में जो संबंध है क्या वहां पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो बनाते हैं, शास्त्र इसको एकदम स्वीकार नहीं करता है, इसको एकदम, इसलिए अभी इतना डाइवोर्स क्यों हो रही है, कारण क्या, इसी वजह से हो रही है सबको सारे, कि डाइवोर्स का कारण सब यही है। इसलिए जो चौथा स्थान जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब है जैसे मांस मछली अंडा ये सब चीज नहीं खानी चाहिए। अगर कलयुग में ये चार नियमों को पालन कर लो और थोड़ी सी ठाकुर का भजन करो, इसी से ही हम ठाकुर जी को प्राप्त कर लेंगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार सबके सब हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब से परीक्षित महाराज कली को स्थान दिया, लेकिन कली खुश नहीं हुआ, बोले क्यों, बोले भैया मैं कहाँ कहाँ घूमते रहूं, कौन शराब पीता है, कौन मांस खाता है, कौन जुआ खेलता है, मेरे को ऐसे एक स्थान दो जो एक जगह पर सारे चीज मिल जाए। देखो उनने कहाँ पर स्थान दिया, बोले सुवर्ण, सुवर्ण मतलब पैसा, जहां पर ज्यादा पैसा दिखना वहीं पर जितना अनर्थ है, वहीं पर ये सारे गद्दी काम होता है। लेकिन ये प्रश्न है, बोले पैसा तो लक्ष्मी है, अब मूल लक्ष्मी तो श्री राधा रानी, फिर राधा रानी ने ये दोष कैसे आ रही है। हाँ देखो ये चीज को समझो, आपसे एक प्रश्न करता हूं, उत्तर दो, बताओ तो लक्ष्मी की बहन कौन है, कौन बोलेगा हाथ उठा, लक्ष्मी की बहन कौन है, उल्लू है। मतलब जो जब ये घर में आती है ना, वो ये उल्लू को पर बैठ करके आती और हमें उल्लू बना दी। लेकिन लक्ष्मी की बहन और एक है, आप बता सकते हो, एक उल्लू है और भी एक व्यक्ति बहन है, कौन बोलेगा हाथ उठा, कहते एक गरुड़ है। देखो इसका रहस्य को समझो, अगर हम माँ लक्ष्मी को बुलाए, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता है, लक्ष्मी को बुलाए, बोले क्यों बुलाओ, अगर अपना भोग के लिए बुलाओगे, क्यों लक्ष्मी चाहिए, बोले हम खाएंगे, दुकान मकान बनाएंगे, हम भोग करेंगे। लक्ष्मी बोलती है मैं तो नारायण की हूँ, तू मेरे को भोग करोगी, इसलिए वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है और जितने अनर्थ जितने दुख कष्ट फिर लेकर के आएगी। लेकिन अगर लक्ष्मी को बुलाओ, बोले हे लक्ष्मी आप तो नारायण की हो, आओ, बोले क्यों, बोले ठाकुर को सेवा, अब तो ठाकुर जी को है ना, आओ घर में आपकी सेवा के लिए। फिर वो उल्लू को ऊपर बैठ करके नहीं, फिर वो गरुड़ को ऊपर बैठ करके आए। ये गरुड़ कहाँ रहता, बोले वैकुंठ, अगर घर में आएगी ना, हमारे घर को वैकुंठ वैकुंठ बना देगी, भगवान की धाम बना देगी। जिस घर में कीर्तन हो, कथा हो, भगवान के नाम हो, घर में कोई गंदी चीज नहीं हो, सबके सब घर में भक्ति करे, वो घर नहीं वही वृंदावन धाम, वही से वृंदावन का धाम वही बन जाती है। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, लेकिन ठाकुर जी को सेवा के लिए बुलाओ। भगवान घर में जो कुछ खाना बने, ठाकुर जी को भोग लगाओ, भगवान की भोग लगनी चाहिए। बच्चों को भी बोलो तुम भी एक माला करो, आप भी एक माला जप करो, बच्चों को भी बताओ आप भी एक माला जप करो। देखो मैं पहले बताया था, एक व्यक्ति हमारे जो बड़े गुरु जी थे उनको पास में आए, बोले गुरु जी ये बेटा बात नहीं सुनता है, ये बेटा बात नहीं सुनता है। गुरु जी ने बताया बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते, बोले नहीं, बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको यही कष्ट है, यही दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर रामायण पढ़ते उसमें लिखा हुआ है प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, भगवान सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छूते थे, गुरु जी की चरण पूजा करते थे। आप लोग रामायण देखे होंगे, जब श्री दशरथ महाराज शयन करते हैं, स्वयं राम पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। आप लोगों ने रामायण देखे हो,
कौन कौन रामायण देखे हो? आप लोग सब रामायण देखे होंगे। देखो एक इंडोनेशिया, आप नाम सुने होंगे, वो मुसलमान कंट्री है, ध्यान देख रहे सुनो। वो इंडोनेशिया के लोग, मुसलमान कंट्री के लोग हमारे देश से संतों को ले जाते हैं। मुरारी बाबू का नाम सुने हो? कौन कौन मुरारी बाबू का नाम सुने होंगे, और राम कथा करता है। हमारी भारत से ये मुरारी बापू को बुला करके इंडोनेशिया मुसलमान कंट्री ले जाता है देश। बोले क्यों? बोले हमको रामायण सुनो। बोले भैया मुसलमान विदेश में रामायण कौन सुनते हैं, देखो क्या कारण है। बोले कारण है हमारी घर की जो बहू बेटी ये सती बन कर रहे, क्योंकि भगवान राम ने सीता को त्याग दिया। बोले क्यों? बोले एक धोबिनी कहीं गई थी दूसरे जगह पर, आते समय एक नदी पार करना पड़ता था, लेकिन एक केवट ने पार नहीं करवाया, एक रात बिताना पड़ा। इसलिए धोबी ने कहा मैं राम नहीं हूं, सीता को रावण उठा करके ले गया, एक साल में आया था रख लिया, तेरे को मैं घर में नहीं रख सकती हूँ। इसलिए मुसलमान लोग कहते हैं, देखना उनके स्त्रियां बुरखा पहनती, कवर करती है शरीर को, अब देखे होंगे। बोले क्यों? कारण क्या? वो लोग कहते हैं हमारी देश के बहु बेटी सती बनकर गिराई रामायण पढ़ने पर। फिर ये बच्चों को पर अच्छी संस्कार पड़े, कैसे राम ने अपना सौतली माता कैकेयी की आदेश पालन करने के लिए उसने 14 साल तक भगवान वनवास गए। इसलिए बोले पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए। अब अपना बेटे को बोलो बेटा 14 दिन के लिए कुछ काम कर ले, बेटा करेगा? अपना मन मर्जी तो 14 दिन के लिए घूमने जा सकता है, लेकिन पिता माता के आदेश पालन नहीं करेगा। इसलिए मेरे हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बेटा जरूर रामायण पढ़ो, बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ, बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ, अगर पढ़ाएंगे ना बच्चे संस्कारी बनेंगे, फिर पिता माता की चरण की सेवा करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे को तो स्मार्टफोन पकड़वा देंगे, 10-10, 20-20 हजार का स्मार्टफोन, जिससे जीवन बर्बाद हो सके वो चीज दे देंगे, लेकिन कभी बोलेंगे नहीं बेटा तू एक माला कर, रामायण थोड़ी पढ़, गीता की कोई एक श्लोक पढ़, ये चीज बताते नहीं, फिर बच्चे के संस्कार कहाँ से पड़ेगी। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो बच्चे बड़े होकर के पिता माता की सम्मान करें, पिता माता की पूजा करें, आप लोग बताओ तो आप लोगों के अंदर में कितने भक्त हैं जो सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते हैं? हाथ उठाओ कौन कौन सचमुच से जो पिता माता सास ससुर की चरण छूते हो? कोई नहीं छूते। कारण यही है, देखो कारण यही है, हमने रामायण नहीं पढ़ते। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, अगर गुरुजन का चरण छूना क्या होगा, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, जस बढ़ती है, हैं? आयु वृद्ध जस बल सब कुछ बड़ों का चरण छूने से प्राप्त होती है। हाँ देखो जितने बहू है ना, ध्यान देकर सुनो अच्छी एक बात, आपके आप लोग लायक है जितने बहू है। जैसे एक पिताजी के तीन बेटे हैं, तीनों बेटी की शादी हो गई, बेटियों का तीन बहू आई। अभी जो बहू सास ससुर की सवेरे चरण छुएगी, सास ससुर की चरण छुएगी, अभी घर का जितने सोने चांदी किसको पास में? सास ससुर को पास में। एक दिन बंटवारा हुई, जब बंटवारा हुई कि जो बहू सास ससुर की घर में चरण छुएगी उनकी सेवा करेगी, जब बंटवारा होगा सास ससुर क्या करेंगे बताओ तो? बंटवारा होने से पहले कुछ निकाल करके जो बहू सेवा करेगी ना उसको दे देंगे। बोले बेटी तू रख ले किसी, अभी बंटवारा हो गया ना इसलिए उसको ज्यादा निकाल कर दे देगी, मतलब इसमें लाभ ही लाभ है आपको, बुरा नहीं। हाँ लेकिन और एक चीज समझो, कभी कभी घर में सास ससुर की ना लड़ाई ये पहले से ही है। देखो जितने माताएं हैं, अगर बहू को अपना बेटी मानो, बहू मत मानो, क्या माननी चाहिए? बेटी माननी चाहिए। और जो बेटी सास को सास नहीं माने, अपना सास को अपना माँ माने, अपना माँ कर तो झगड़ा की कोई बात ही नहीं, झगड़ा की कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए जो छूते हो अच्छी बात है, और जो नहीं छूते हो कल से देखो भागवत कथा सुन रहे ना, कुछ तो कुछ तो लेनी चाहिए। गुरुजन की चरण छुआ करना, उनका हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, अगर आशीर्वाद निकलेगा ना भाग्य रेखा बदली जाती है उनकी। इतनी गुरुजनों की सेवा से इतने लाभ है, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ देखो कल है,
कथा का चतुर्थ दिवस है। कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, कल भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। इसलिए बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। इसलिए जब मैया दशरथ गर्भ धारण की ना, जितने ब्रज की गोपियां थी 6-6 महीना पहले 84 गज के लहंगा बना कर रखे, चुंदरी बना कर रखी। बोले नंद के लाला होगा ना, हम सबके सब इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल जितने माताएं शादी का समय का जितने सब आपका जो चुंदरी आपका जो लहंगा सब बक्सा में नहीं तो आलमीरा में खराब हो रहा है, कल सब निकालना उसको। इसलिए कल सबके सब गोपी भाव से एकदम बढ़िया बढ़िया पीले पीले रंग के कपड़ा पहन करके आना। कौन सा रंग के? पीला पीला रंग के, दूसरे कपड़े रंग नहीं, पीला रंग होनी चाहिए सब बढ़िया। नहीं तो अगर पीला नहीं हो तो अच्छा बढ़िया कपड़ा पहन करके जैसे गोपियां आई थी एक साथ सज करके आना। और अकेले नहीं आना, आपको अड़ोसी पड़ोसी हम तो भी ले करके आना, ठीक है। और लाते समय जैसे बच्चे का बर्थडे बनाते हो क्या कितना हम कुछ लुटाते हैं, इसलिए आप लोगों की कल थोड़ी सी टफी हो, कोई खिलौना हो लेकर के आना, उसको कल हम लोग लुटाएंगे। और कल बड़ी धूमधाम से भगवान की हम जन्म उत्सव मनाएंगे, ठीक है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के कन्हैया लाल की जय। आप लोग तो लाओगे, आप लोग तो पहन करके आओगे साड़ी चुंदरी और लहंगा, लेकिन हमारे भाई लोग क्या हुए हैं? हाँ जो भैया लोग हैं ना, अगर हो सके तो धोती अगर कुर्ता हो तो बहुत बढ़िया है, अगर धोती कुर्ता नहीं हो आप देखना सफेद रंग की, कोई सफेद रंग की अगर पोशाक हो सके इस कुर्ता पैजामा अगर पहन करके आ सकते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी ये कथा में कथा हमारे ये प्रभु जी श्री मदन मोहन प्रभु जी कहते हमारे प्रभु जी विनोद बिहारी प्रभु जी की एक मांगी थे, श्री विनोद बिहारी जिन्होंने कथा करवा रहे हैं, सुपुत्र है छोटा बेटा है, ये बहुत क्वालिफाई है, हाई भाई, पहले जब डिजाइनदार बनाते थे सब कपड़े कपड़े बनाया करते थे, लेकिन अभी वो वृंदावन में रहते हैं और मंदिर में आते हैं कथा सुनते हुए और बड़ी सुंदर सुंदर कथा भी सुनाते हैं और बड़े ज्ञानी भी है। ये आपको थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएंगे, थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएंगे, क्यों भक्ति करनी चाहिए, किस लिए भक्ति करनी चाहिए, ये थोड़ी सी आपको थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएंगे। और इनकी जो भाभी है, इनकी जो पुत्र वधु है, कहते ये भी बड़ी सुंदर भजन गाती है, आप लोग हर साल इसकी भजन सुनते होंगे। ये भी उसने बड़ी डिग्री को प्राप्त की भजन के ऊपर में, क्या क्या उसने भजन के ऊपर PhD, उन्होंने PhD की है, बड़ी सुंदर भजन गाती है। अभी प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, उसके बाद में फिर माता जी एक सुंदर भगवान की भजन सुनाएगी, फिर उसके बाद में आरती, फिर आप लोग प्रसाद लेकर के फिर आप लोग को जाना। और हरी बोल। हाँ, आज का जो प्रसाद है सब भक्त लोग के लिए, आज दो परिवार के भक्त लोग आज सभी के लिए भगवान के प्रसाद की व्यवस्था किया। नाम क्या है? श्रीमती आकांक्षा गहलोत, श्रीमती आकांक्षा गहलोत और सोनिया गहलोत एवं श्री घमंडीलाल गुप्ता जी। हाँ, समस्त परिवार के साथ फिरोजाबाद। हाँ, इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी इनके घर में सुख शांति दे, खूब फलते फूलते रहे, क्योंकि भगवान की सेवा में एक अन्न की दाना कोई दे देना, कहते किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सुदामा जैसे दो मुठी चिड़वा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए ठाकुर जी इनको परिवार में सुख शांति दे, इनकी भक्ति मिले। जो दो व्यक्ति का नाम लिया अब बाद में मेरे पास में आना, यहाँ पर प्रसाद लेकर। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा।